नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और आज के खास बुलेटिन में मैं हूं नितेश कुमार आपके साथ। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पे आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी से खबर आ रही है जहां 33 लाख रुपए अमानत में खयानत करने का मामला सामने आया है। वहीं लाखों रुपए गबन करने वाले आरोपी को कुरुद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कुरुद निवासी विश्वनाथ चंद्राकर के पास कोटेवा कृषि दवाई एवं अन्य दवाई कंपनी का डीलरशिप है। ऐसे में कंपनी ने डीलरशिप के सपोर्ट के लिए आशुतोष सिंह निवासी उत्तर प्रदेश को रखा था, जो विश्वनाथ चंद्राकर की दुकान से कृषि दवाई लेकर जाकर रिटेलरों को देता था। साथ ही उससे पैसे लेकर उनके पास लाकर जमा करता था, लेकिन आरोपी आशुतोष सिंह ने रिटेलर से करीब 33 लाख रुपये लेकर रफू चक्कर हो गया। इसके बाद विश्वनाथ चंद्राकर ने कुरुद थाना पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। इस संबंध में कृष्णा फर्टिलाइजर और घर संसार के जो मालिक हैं, दुकान के स्वामी हैं, उनके द्वारा थाने में एक लिखित शिकायत दी गई थी कि हमारे दुकान से ओटेक कंपनी का एक एजेंट है आशुतोष सिंह, जो कि एजेंट का काम करता था और जो कृषि दवा होती है उसको सप्लाई करता था और उसका रकम लेकर वापस इनको देता था। विगत लेकिन कुछ माह पूर्व से वह पैसा इनको वापस नहीं कर रहा था। अचानक इनको पता चला कि इनका जो रकम है आशुतोष के पास ही है और इनको बिना सूचना दिए फरार हो गया है, जिस पर से थाने में 406 का अपराध दर्ज किया गया था। टोटल इसमें अनुमानित है 1,43,00,000 के आसपास का है रकम। इसमें 406 लगी है और उसके बाद विवेचना के दौरान इसमें 409 जोड़ी गई।